वाराणसी के गिरजा देवी सभागार में किया गया मॉडल का अनावरण और संगोठन। हिंदू जनमानस में राम जन्मभूमि की तरह ही लकड़ी के बने मॉडल के साथ प्रचार प्रसार करने की है योजना, ताकि लोगों में जन जागृति हो। श्री आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से आयोजित है कार्यक्रम। इसके बाद हुई इस विषय पर संगोठी, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर कितना भव्य सुंदर था, ये लोग जाने। वाराणसी के ज्ञान वापी में कभी आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, इसे जेम्स से प्रेषित के नक्शे के साबित करते हुए उस समय मंदिर कैसा दिखता था, इसका जवाब तलाशते हुए एक मॉडल तैयार किया गया है। इसे देश भर में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोग यह जान सकें प्रेषित ने तो मंदिर का नक्शा भी तैयार किया था। अध्ययनों से पता चला कि भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर की ऊंचाई 108 फीट और चौड़ाई 136 फीट थी। 3 मंजिला मंदिर में 8 फीट ऊंचा शिखर था। मंदिर में 8 मंडप थे। पश्चिम दिशा में स्थित श्रृंगार मंडप के पास प्रवेश द्वार था। उत्तर दिशा में नंदी विराजमान थे और दक्षिण दिशा में स्थित कुंड में मंदिर का जल प्रवाहित होता था। इसके साथ ही ज्ञानवापी में कमीशन के दौरान जो हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह आए थे, उन्हें भी उन्होंने दर्शाया और बताया कि यहाँ सिर्फ मंदिर के निशान हैं और ये सब जानते हैं। वो हमेशा उन्होंने निडर रूप से, निर्भीक रूप से अपना योगदान दिया है। और एक और इनकी परिचय में कराना चाहता हूं, 2013 में जब अखिलेश यादव सरकार खूंखार आतंकवादियों को छोड़ रही थी, उस समय कोई याचिकर्ता बनने को तैयार नहीं था। माननीय रंजना दीदी सामने आई, उन्होंने कहा मेरी दीदी माननीय रंजना अग्निहोत्री जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मेरे भाई माननीय कुलदीप तिवारी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है। अभी जो एक तथाकथित आदि पुरुष एक मूवी आई है, जिसमें हमारे सनातन समाज को और हमारी रामायण के ऊपर जो अभद्र तरीके से उसको दिखाया गया, उसको पिक्चराइज किया गया, उस पर माननीय कुलदीप तिवारी जी ने काफी काम किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े होकर सबको नमस्कार करते, सब लोगों से परिचय हो जाए। मैं माननीय रंजना दीदी से एक बार निवेदन कर भैया थोड़ा पीछे हट जाए तो प्रभु मन्मदा।
और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी उपस्थिति है, उसमें ऐसे ऐसे लोग आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मौजूद हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन समाज के लिए काफी अद्भुत कार्य किए हैं, और उन सारे लोगों का भी आज एक परिचय हम लोग आपस में करके देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कि अगर इस कार्यक्रम में हमसे कोई त्रुटि हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो हमें क्षमा करें, को पहुंचाया जाए, ये हम लोग का पूरा प्रयास है। राम प्रसाद से, आज महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास। राम प्रसाद जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज यहाँ पे कार्यक्रम है गोष्ठी, जिसका विषय है राष्ट्रीय समस्या और समाधान। आज किस चीज का अनावरण भी है, क्या कहानी है? अनावरण की कहानी यह है कि 354 वर्ष पूर्व जो हमारा मंदिर तोड़ा गया था, वह मंदिर उस पीरियड में कैसा था, इसका हम लोगों ने एक प्रतिरूप जो है ऑथेंटिक तौर पर ऐतिहासिक साक्ष्यों, तथ्यों और सबूतों के आधार पर तैयार कराया गया है, उसी का अनावरण है। हम ये बताना चाहते हैं हिंदू समाज को कि देखिए, ये हमारा मंदिर इस तरह का था, जिसको हमें पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना है, इसीलिए जनजागरण अभियान चालू है। क्या उद्देश्य है इस अनावरण से दिखाने? उद्देश्य जनजागरण है और क्या, हिंदू समाज में हम जनजागरण करेंगे, हिंदू समाज अपने मंदिर के लिए प्रयास करे प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उस आधार पर प्रयास करेंगे, तो संवैधानिक तरीके से हमारा प्रयास जारी रहेगा। जिस चीज़ का अनावरण है, किस चीज़ का वो मॉडल है? मॉडल है ये आदि विश्वेश्वर ज्ञान बापी मंदिर का, जो आज ध्वंसावशेष के रूप में हमारे सामने खड़ा है। क्या अनावरण होने जा रहा है, क्या इसका मकसद है? देखिए, आज जो ज्ञान व्यापी का मॉडल तैयार किया गया है, जो मंदिर भग्नावशेष होने से पहले जो हमारा दिव्य और भव्य मंदिर दिखता था अष्ट मंडप का, आज उसका अनावरण होने जा रहा है। इस अनावरण में स्वामी दीपांकर जी, सुरेश चौहान के जी, साथ ही साथ कपिल मिश्रा जी, मनोज तिवारी जी और भी अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। और इस अनावरण का ये मकसद है, इस मॉडल का ये मकसद है कि हमारा मंदिर भग्नावशेष होने से पहले कैसा दिखता था, इसकी लोगों के सामने एक विजुअलाइजेशन पेश की जा सके। किस तरह से लोगों को बताए, क्या ये लोगों में जन जागरूकता के लिए भी अनावरण? देखिए, पूरा ये कार्यक्रम जो है वो ज्ञान व्यापी के मुद्दे के लिए जन जागरूकता, और हमारे साथ इतिहास में क्या अत्याचार किया गया, क्या बर्बरता की गई, और आगे हम लोगों को कैसे संगठित होके ज्ञान व्यापी को मुक्त कराना है, उस दृष्टिकोण से, और राष्ट्र के सामने इस समय क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या हिंदू समाज जो है वो इनजस्टिस झेल रहा है, इन सारे मुद्दों पर आज गहन चर्चा होगी। केवल वाराणसी में ही इसका वो दिखाया जाएगा कि और राज्य नहीं, और राज्यों में भी दिखाया जाएगा, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जितने भी हमारे संसाधन है अभी हम वाराणसी में दिखा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में भी दिखाएंगे। थोड़ा सा गैप बना लीजिएगा। सर, आज किस तरह का ये अनावरण प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए, ये सबको मालूम है और ऐतिहासिक तथ्य है कि पहले भव्य मंदिर बाबा भोलेनाथ का, आदि विश्वेश्वर का, काशी में था। उस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। उस मंदिर का क्या स्वरूप था, वो मंदिर किस ढंग का था, उसका एक चित्र, सच बहुत अच्छा चित्र वो बनाया गया है। वो जन जागरण के लिए सब सामने रखा जाएगा, ताकि पब्लिक को मालूम हो कि क्या चीज़ थी, भारतीय संस्कृति क्या थी, और कैसा मंदिर था, और जिस पर कि तथाकथित मस्जिद का निर्माण हो गया। केवल बनारस में दिखाया जा रहा है कि और भी जगह दिखाया जा रहा है? नहीं, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक संभव होगा इसका प्रदर्शन होगा। और पर्पज़ ये है कि लोग जाने कि हम हवा में नहीं लड़ रहे हैं, जो चीज़ हमारी चीज़ जो टूटी उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा ही मंदिर पहले था जैसा दिखाया जा रहा है आपके मॉडल में? जी हाँ, बिल्कुल। मस्जिद के पहले ही ऐसा मंदिर पूरा का पूरा बना? पहले तो मस्जिद कहिए नहीं, तथाकथित मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद वहाँ बनी नहीं सकती। पर जो भी इस समय ढांचा है गुलामी काल के दौरान, उसके पहले का जो ओरिजिनल मंदिर था, जो 1580 में राजा टोडरमल ने बनवाया था, उस मंदिर का पूरा सदृश बनाया गया है, और इतनी मेहनत से बनाया गया है
कि जो देखेगा कहेगा क्या भव्य मंदिर था बाबा भोलेनाथ का, और ये प्रेरित करेगा आज के नौजवानों को सबको कि वो ऐसे ही मंदिर उससे अच्छा पुनः बन जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका ले लीजिए। सुभाष जी का क्या? सुभाष भैया आवा आता हूँ आवा। अरे बोलवा ले ली भैया आवा, आज तो ही लोग का दिन आवा, आज तो ही का दिन आवा।